भारतीय जनगणना के मुद्दे पर 23 को सीएम नीतीश और तेजस्वी की पीएम से मुलाकात, पक्ष में फैसला होगा ऐतिहासिक। पार्टी में कार्रवाई पर तेज प्रताप नाराज, प्रेस वार्ता कर जगदानंद सिंह पर बोला हमला, दे दी बड़ी चेतावनी। गंगा नदी का घटने लगा जलस्तर, लेकिन लोगों की दिख रही नाराजगी, सरकार से सहयोग नहीं मिलने से नाराज। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन का बने कोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर तमाम बिहार वासियों और विपक्ष के साथ ही तमाम दलों के नेताओं को इसका इंतजार है। जी हां, जातीय जनगणना की हम बात कर रहे हैं। देश में जातीय जनगणना को लेकर चारों ओर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कोरोना काल के कारण लोगों के रोग के बाद अब जैसे ही कोरोना की लहर अब कम हुई, जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी बात शुरू हो गई। तो केंद्र सरकार के इनकार के बाद भी बिहार में सत्तासीन पार्टियां और विपक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मिलने की पेशकश की, लेकिन इसके बाद अब पीएम की तरफ से 23 अगस्त को मिलने का मौका मिला, जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने दी। तो वहीं तेजस्वी ने इस दिन होने वाले फैसले को लेकर कहा कि अगर फैसला जातीय जनगणना के पक्ष में होगा तो ऐतिहासिक होगा। रूप से हो गया वो अगले 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे, तो सब लोग जाकर वहाँ पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे, तो ये तय हो गया। तो वही लोग ना मिले थे सबसे पहले, हाउस चल रहा था तो उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया था ना, तेजस्वी जी के साथ और उनके पूरे जो अपोजिशन के सभी लीडर्स थे, सब लोग मिले थे और उन लोगों ने ये बात कहा, हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव मिलना चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो इसको भेजेंगे, और वही इसके बाद भेज दिए थे हम लोग। आंडुमति जनगणना की नहीं ना मिली है, मुलाकात की मिली, मुलाकात हुई तो उससे हमको खुशी कहाँ होगी, खुशी तो तब होगी जब ऐतिहासिक काम होगा। अभी तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी बात को प्रधानमंत्री के समक्ष रखे और पार्लियामेंट में कई बार जो है सरकार ने मना कर दिया, लेकिन हम उम्मीद तो थोड़ी बहुत लेकर के जाएंगे कि समय दे रहे हैं तो एक नेक कार्य हो जाए, ऐतिहासिक काम हो जाए। और सूबे के सियासी गलियारों में लंबे समय से ऐसी चर्चाएं रही कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसे पार्टी के कई नेता इनकार करते रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद से जो दिखा और आकाश यादव पर अचानक हुई कार्रवाई के बाद ये सब कुछ बयां हो चुका है कि आरजेडी में कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। वहीं आकाश यादव को राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव नाराज हैं, साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हु इज तेज प्रताप यादव कहने से नाराज तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगदानंद सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पार्टी में हुई कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाया। नहीं होगा, मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूँ, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम जनता से मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर, और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। हम कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर, कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त सख्त के बेटे नहीं है, हम लालू यादव के बेटे नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया था, हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे, हम परिवार से पार्टी से अलग हैं, हमको पूछा गया, जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा। तिवारी तो पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं, शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे, शिवानंद तिवारी जी ऐसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं जो पार्टी को तोड़ते हैं
जो पिताजी को जेल भेजने का काम करते हैं, ऐसे ही लोग ना इनको सपोर्ट करेंगे, तो सच्चाई दिख रहा है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। Elite Institute. अगर आपके अंदर चाह है तो Elite आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो Elite आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए Elite Institute। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़, ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, प्यू, प्यू, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैक से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ। हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना, तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार, तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुरुवार को मुजफ्फरपुर में बीजेपी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत झोला वितरण कार्यक्रम का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के द्वारा
किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। झोला वितरण समारोह किया गया है। झोला बांटने का उद्देश्य है कि इस गरीब को पिछले कोरोना काल से लेकर इस कोरोना काल तक, पिछले साल भी 8 महीना और इस साल 8 महीना भी, मुफ्त अनाज देने का संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी किया गया। तमाम अपने हम लोग बिहार वासियों को, जो कोरोना काल में जिनका रोजगार नहीं चला, काम नहीं चला, वैसे गरीब परिवार के लोगों को फ्री में अन्न दिया जा रहा है। और गया में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि 7 सालों में एनडीए सरकार में देश के विकास के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कई ऐसी समस्याओं का भी समाधान किया है। और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, गया नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद रहे। जैसे पिछले 2014 से 2019 में बढ़ा, अभी और बढ़ी है। समता कहते हैं, समता हम लोगों के जो अभी कैबिनेट बना, 27 हैं मंत्री पिछले 27, इतने कभी नहीं कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट कभी नहीं हम लोग समता। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सोनकी ओपी महापारा गांव में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। वही घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। और सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के विद्यालय परिसर में बने तालाब में 12 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब में तैरते शव को निकाला। पुलिस आपको बता दें कि मृतक की पहचान बाजार के आदर्श मोहल्ला वार्ड नंबर 14 निवासी अरुण अग्रवाल के 12 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है। किसी के साथ नहीं निकला है, अकेले निकला खेलने के लिए, किसी के साथ नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बड़ा वाला था खेलने के लिए, कै बजे आ जाया था खेलने के लिए? यहाँ तो भीड़ लगी हुई है सर, लाश चलाया हुआ है, किसका लाश निकालने के बाद पता चलेगा कौन है क्या है। और राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की शाम बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान लाला टोला निवासी के रूप में हुई है। वहीं मामले में पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। हम लोग घर में दो गो लड़का आया है, क्या करते हैं आपके लड़का? गाड़ी चलाता है। कहाँ रहता है ये? मिल्ला टोली। अच्छा, दो लोग आए बुला के ले गया। क्या नाम था इसका? कौन है आपके बेटा? बक्सर के डुमराव थाना क्षेत्र के नंदन गांव स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। और इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 1 स्कॉर्पियो कार तथा लूटी गई रकम में से 97,500 रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि 3 अगस्त को फाइनेंस बैंक में लूटपाट की गई थी। आपराधिक इतिहास है इन लोगों का, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, जैसे खेसारी यादव है उनका आपराधिक इतिहास है, बाकी तो उल्लेख करना यहाँ समुचित नहीं है, उचित नहीं है। साथ ही साथ जो 3 अपराधकर्मी जिनकी गिरफ्तारी हम लोग नहीं किए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुसंधान अभी हमारा चल रहा है। बैंक से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पहने हुए कपड़े थे उनके, वो बरामद हम लोगों ने किया है, पैसे बरामद किया है, और बैंक से जो कागजात इन लोगों के पास गया था वो हम लोगों ने बरामद किया है। हर एक अपराधी के पास, 10 अपराधकर्मी गए थे, उसमें से 6-7 अपराधकर्मी के पास अवैध अग्नयास्त्र था, उसमें से 3 अवैध अग्नयास्त्र बरामद करने में हम लोग सफलता हासिल की।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है पर तस्करों के हौसले बुलंद है, जिसका कारण है कि अवैध शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है और कभी जांच के लिए पुलिस गाड़ी के सामने आ भी जाए तो वे उसे रौंद कर तस्कर निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या बिहार के औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां गुरुवार को झारखंड की सीमा से सटे एरका चेक पोस्ट के पास शराब ढो रहे वाहन ने पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया, यानी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि शराब लदी सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि पुलिस वाहन के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही टक्कर में अंबा थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और गुरुवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दियारा के गंगहारा, हेतनपुर, बरकीटोला, मानस के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 13,000 राहत सामग्री के पैकेट, 83 नाव की व्यवस्था की है, जिसमें 12 नाव को 20 लीटर डीजल और 71 नाव को 5 लीटर डीजल प्रतिदिन देने की व्यवस्था की गई है। पूरे दियारा का लगभग 4 पंचायत का दौरा हमने किया है, सुबह 7 बजे से अभी तक यानी 12 घंटा लगभग होने जा रहा है। हमारे साथ अंचलाधिकारी दानापुर भी थे और हमारे साथी लोग थे, जहाँ तक नाव जा सका, बोट जा सका, वहाँ तक हम लोग गए और कई गांवों का भ्रमण किया हमने। लोगों से मेरी बातचीत हुई, आमतौर पर 2-3 तरह के शिकायत मुझे प्राप्त हुआ, जो कल शिविर में शिकायत प्राप्त हुआ था वही आज भी प्राप्त हुआ। और पटना सिटी में गंगा के उफनती लहरों में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। घटना मालसलामी थाना क्षेत्र के बुंदेल टोला घाट की है। यहां पर गाड़ीवन टोला के रहने वाले सतीश यादव गंगा स्नान करने गए थे और उसी दौरान गंगा की गहराई का पता नहीं चलने के कारण गंगा की तेज लहरों में डूब गए। जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति का शव अब तक हाथ नहीं लगा है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। और बिहार में घटते गंगा के जलस्तर के बीच अब लोगों ने राहत की थोड़ी सांस ली है, मगर अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग सरकार और सिस्टम से काफी नाराज हैं। ऐसे में बात की जाए बेगूसराय की, तो बेगूसराय के मटिहानी क्षेत्र के रामदरी गांव में भी गंगा का जलस्तर 2-3 दिनों से काफी नीचे आ गया है। बावजूद इसके अब भी जो दियारा के क्षेत्र है वहां लोग काफी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और इसका जायजा लिया बेगूसराय से डीटीवी भारत के संवाददाता जिवेश ने। बिहार में गंगा की भीषण बाढ़ के बीच अब लोगों ने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी है। तकरीबन 2-3 दिन बाढ़ जो है सो जल स्तर नीचे होता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के रामदीरी क्षेत्र में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी की जो जल स्तर की जो रेशियो है वो काफी नीचे जाती दिख रही है। ऐसे में लोग अब राहत की सांस लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे शिथिल क्षेत्र हैं जहाँ पानी ज़्यादातर बढ़ा हुआ है और तकरीबन हजारों घर अभी भी डूबे हुए हैं, लेकिन गनीमत यह है कि अभी जो स्थिति है लोग अब अपने घर से शहर की ओर आ जाया कर रहे हैं, सामान बाजार की सामानें खरीद कर अपने घर फिर वापस आ जाया कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं व्यापारी किस्म के जो बाजार से सामान लेकर अपने घर की ओर फिर जा रहे हैं। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि तकरीबन कितने दिनों से बाढ़ ने इस क्षेत्र में तांडव मचाया है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है। करीबन 10 दिन से बाढ़ तो बहुत ज़्यादा तांडव मचाया हुआ था, अभी 2-3 दिन से ठीक चल रहा है, थोड़ा पानी का स्तर कमा है। अभी लोग आने जाने में कुछ थोड़ा बहुत सांस लिया है जो कि बाजार से आ जा सकता है। अभी भी बहुत घर डूबा है, जिसमें अभी भी नाव ये छोटा बोर्ड का सहारा लेना पड़ता। और समस्तीपुर के पंचायत तारा धमौन में बाढ़ के पानी से जलमग्न है, यहाँ के लोगों का बाढ़ से जीना मुहाल हो गया है। मुखिया प्रवीण कुमार राय ने बताया कि पूरा पंचायत बाढ़ग्रस्त हो गया है, इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पंचायत के लोगों को इससे बचाया जाए और हर जरूरी सामान को लोगों को मुहैया कराया जाए।
मोकामा प्रखंड में गंगा नदी में आए उफान के बाद सरकार ने प्रभावित लोगों को हर मुमकिन सहायता प्रदान देने का आश्वासन किया है और मुंगेर सांसद प्रतिनिधि अमित कुमार ने यह दावा किया है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के बीच भोजन प्लास्टिक का वितरण किया जा रहा है और इसके साथ ही हर पीड़ित को 6,000 की राशि भी देने की कवायद अब तेज हो चुकी है। युवा जेडीयू नेता अमित कुमार के अनुसार बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल क्षति की भरपाई भी की जाएगी। बाढ़ पीड़ित लोगों के सरकार के द्वारा भी समुदाय किचन का व्यवस्था किया गया है और जो भी बाढ़ से प्रभावित लोगों हैं उसको तिरपाल, सूखा राशन आदि मुहैया कराया जा रहा है। सरकार के तरफ से इसमें बहुत सा कार्यक्रम भी चल रहा है, जो भी जिनके घर डूबे हुए हैं उनका सर्वे कर प्रत्येक घर को 6,000 रुपया भी देने की व्यवस्था की जा रही है और फसल जिनके जिनके क्षति हुए हैं उनको फसल मुआवजा भी मिलेगा। और खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच इन दिनों मातम पस रहा है। परिजनों के अनुसार देर शाम राशन खरीदने माँ बाप के साथ वापस घर आ रही मासूम बच्ची अचानक अपने माता पिता के आंखों के सामने से गायब हो गई। वहीं ग्रामीणों की सहायता से काफी खोजबीन के बाद बच्ची के शव को बाहर निकाला गया और इधर शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं, देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। कुछ ऐसा ही हाल डुमराव अनुमंडल क्षेत्र के नावानगर प्रखंड के ठेगू रेरा का है, जहां गांव में सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस गांव की दूरी ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर है। वहीं गांव में बीमार पड़ने पर लोग पीड़ित को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं। दिक्कत बा बहुत दिक्कत न की कितना आई माने जैसे पता करना पड़ी भाई दवाई किलो खातिर हम रोगी हो जाला खाटी पटांग चले जने जा अंतिम दस्ताना था नहीं होने के चलते शिक्षक और बच्चे या गांव के टोला के जितने भी व्यक्ति है सभी को आने जाने में परेशानी होती है बहुत ज्यादा। बरसात वही बरसात के दिन में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लखीसराय जिला मुख्यालय में स्थित दुर्गा बालक उच्च विद्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। करीब 65 साल पुराने विद्यालय भवन में 7 कमरे में 1100 बच्चे अपनी जान को हथेली पर रखकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गौरतलब है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा भवन की जर्जरता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा तक से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी सुध लेने का काम नहीं किया। स्थिति यह है कि एक तरफ लखीसराय में बाढ़ से हालत बेहद भयावह है तो दूसरी ओर बरसात का मौसम, ऐसी परिस्थिति में कभी भी विद्यालय का भवन जमींदोज हो सकता है। दुर्गा बालक उच्च विद्यालय के प्रांगण में और ये भवन 1957 में आजादी के चंद सालों के बाद इस भवन का निर्माण कराया गया है और इस भवन की इतनी जर्जर स्थिति है और इसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और कभी भी जिस जो इस भवन का जो ये हाल है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई बच्चों के शिक्षक की जाने जा सकती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल के वरीय शिक्षक हैं। सर बताएंगे कि जब से ये विद्यालय का निर्माण हुआ है ये जर्जर स्थिति में है, आपका ही कहना है कि ये आपने विभाग के प्रधान सचिव से लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष तक को गुहार लगाया, जिला प्रशासन तक को गुहार लगाया, लेकिन विद्यालय निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा जो कहा गया है, अभी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो कि हमारे विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं पद पे और जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सबों को मैंने सूचित किया और हम इस स्थिति में चल रहे हैं कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है, बच्चे हताहत हो सकते हैं, शिक्षक शिक्षिका भी हताहत हो सकती है। सर ये बताइए कि इस विद्यालय में कितने कमरे हैं और कितने बच्चे हैं? इस विद्यालय में 7 कमरे हैं और ऑलमोस्ट 9 to 12 हमारे यहाँ 1100 बच्चे हैं।
1100 बच्चे, तो देखिए 1100 बच्चे हैं, 7 कमरे हैं और विद्यालय की इतनी जर्जर स्थिति है। बरसात का समय है, पूरा लखीसराय जिला का बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से घिरा हुआ है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार को अविलंब विद्यालय के संबंध में सोचना चाहिए, नया भवन बनना चाहिए। कैमरा मैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय। और मुकामा प्रखंड के मोर पोखर निवासी बाढ़ पीड़ितों ने सीओ से मुलाकात कर राहत सामग्री देने की गुहार लगाई है। मोर पोखर के बाढ़ आने से तकरीबन 60 लोग प्रभावित हैं। बता दें इन लोगों को आज तक कोई राहत नहीं मिली। वहीं मुकामा सीओ ज्ञानानंद ने बाढ़ प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत देने का आश्वासन दिया है। और सुपौल में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। त्रिवेणीगंज SDM और SDPO के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि COVID-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने और पर्व के दौरान आपसी भाईचारा को कायम रखने की अपील की गई। चलिए अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन में टीम मैनेजर सह कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में एक वार्ता कर कमेटी ने इसकी जानकारी दी और इस दौरान यह बताया गया कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम्स खेले जाने हैं और इससे बैडमिंटन खेल भी इसमें शामिल है, जिसमें विश्व भर से 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। प्रिंस इसलिए बुलाए गए कि ये झारखंड बैडमिंटन की ओर से बुलाया गया और हम झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी 24 तारीख से पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहा है टोक्यो जापान में। इसमें हमें भारतीय टीम के नेतृत्व करने के लिए लीडर के रूप में, मैनेजर के रूप में चयन किया गया, सेलेक्ट किया गया, तो उसी के आधार पर ये हमारे पूरे झारखंड का, पूरे पूर्वी जोन का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या हिंदुस्तान में सिर्फ बैडमिंटन में एक ही लीडर के रूप में चुना गया, वो मुझे। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा शहर भर के तमाम वाइन शॉप में अभियान चलाकर कोविड नियमों की जांच की गई और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। इस दौरान दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। इनके द्वारा शहर के तमाम वाइन शॉप में इस अभियान को चलाया गया, जहां दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों की भी जांच की गई। और जमशेदपुर के एग्रीकोर ट्रांसपोर्ट मैदान के पास अतिक्रमण हटाने गए जुस्को के अधिकारियों का स्थानीय दुकानदार और भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के लोगों ने जमकर विरोध किया, जहां जुस्को के अधिकारियों को विरोध को देखते हुए बैकफुट पर आना पड़ा। बता दें कि जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जुस्को द्वारा रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इसी के तहत एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान के पास कुछ दुकानों को जुस्को द्वारा हटाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा कंपनी की मनमानी का पुरजोर विरोध किया। और सरायकेला के राजनगर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।